नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे शादी के मामले में। जी हाँ, सऊदी में एक ऐसी शादी हुई, दो दिन के बाद में तलाक लेना पड़ गया। जी हाँ, ये क्या मैटर था भाई। देखिए, शादी एक कोई छोटी मोटी बात नहीं होती भाई, लाइफ टाइम साथ में रहना होता है। उसमें कुछ लोग अपनी कमी होती है उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, तो उसका नतीजा फिर आपको पता है, सामने वाले को जब पता लगता है ना, तब दिल टूटता है। दिल टूटता है तो फिर वो वापस नहीं जुड़ता और कहीं ना कहीं फिर अलग होना पड़ता है। ये एक माजरा निकल के आया है सऊदी अरबिया का। जी हाँ, एक वहाँ के लोकल सऊदी और पति पत्नी, उनकी शादी हो गई थी। शादी के दो दिन के बाद में पत्नी ने तलाक के लिए दावा कर दिया। जी हाँ, अब आप सोचोगे यार, दो दिन में ऐसा कैसे हो सकता है कि तलाक के लिए दावा करना पड़ा। डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सऊदी में एक जोड़ा था, उनकी पहले मंगनी हुई, मंगनी होने के बाद में उनकी शादी हो गई। ठीक है जी, शादी होने के बाद में दो दिन बाद में पत्नी को पता लगा कि हमारे पति देव, हमारे हस्बैंड तो गंजे हैं। जी हाँ, गंजापन एक वंशानुगत भी बीमारी होती है। जैसे आपके फादर गंजे हैं या आपके दादा थे, तो वो चलता रहता है। फिर बाल, समय से पहले बाल झड़ जाते हैं, आप सबको पता ही होगा। और शादी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसका समाधान भी हम लास्ट में बताएंगे। और आपको भी भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। जी हाँ, अब आपको पता है सऊदी अरबिया में एक हेड ड्रेस होता है। हेड ड्रेस मतलब एक वो जिसको बोलते हैं ना बांधना, जी हाँ, जिसको घोट बोल सकते हैं, घोट बांध के रखते हैं ऊपर, वो लगा के रस्सी सी बांध के, तो छुप जाता, पता नहीं लगता बंदे के बाल हैं या गंजा है। जी हाँ, तो उसी स्थिति में उनकी मंगनी हो गई, वो हेड ड्रेस बांध रखा था, उसके बाद में शादी हो गई, हेड ड्रेस बांध रखा था। लेकिन वो क्या रोज़ बांध के तो नहीं रख सकते ना, दो दिन के बाद में जैसे ही पत्नी ने देखा कि बंदा के हेड ड्रेस नहीं था, तो वो बंदा एकदम जो चमन बोलते हैं ना, चमन, चिकनी चमन हो गया। यानी उसका जो बाल है ना, पूरे एकदम ख़त्म थे, झड़ चुका था और सेम गांधी जी की तरह लग रहा था। तो पत्नी देख के हैरान हो गई, उसको झटका लगा कि यार ये क्या हो गया अपने साथ, इसने तो हमें धोखा दिया है। तो भाई पत्नी ने फिर तलाक के लिए आवेदन कर दिया फैमिली कोर्ट में। जी हाँ, सऊदी अरबिया में हालांकि एक सिस्टम होता है भी, डायरेक्ट आप तलाक के लिए नहीं कर सकते, उसके लिए काउंसलिंग करनी पड़ती है, दोनों को बिठाया जाता है। इंडिया में भी हालांकि ऐसा है, लेकिन इंडिया में बड़ी कंट्री है भाई, इतना कुछ होता नहीं है। दोनों को बिठाया जाता है, दोनों से बातचीत की। तो पत्नी ने ये बात रखी कि भाई जब हमारी मंगनी थी तो हेड ड्रेस पहन रखा था, पता नहीं लगा, शादी हो गई तब भी इसने वो घोटू बांध रखा था, घोट जिसको बोलते हैं वो बांध रखा था रस्सी वाला। घर में एक दिन देखा तो पति गंजा था, तो मैं एकदम अचानक से मुझे ऐसा लगा मेरे साथ धोखा हुआ है। जी हाँ, यानी देखिए, पत्नी ने यह बताया कि अगर इसको ये प्रॉब्लम थी तो ये बात पहले रखनी चाहिए थी कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम है, अगर मैं एग्री करती तो मुझे शादी करनी थी, एग्री नहीं करती तो मैटर खत्म हो जाता, ऐसा होना चाहिए था। और ये स्वाभाविक सी बात है, हम अपनी कुछ गलती करके कुछ काम कर लेते हैं, पता चले वो बाद में पता लगे तो भाई वो ज़्यादा नुकसान करता है। फिर पत्नी ने कुछ बात रखी कि मैं अभी, मेरा पति गंजा है, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार वाले, उनके सामने मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि तेरा पति गंजा है, मुझे लाइफ टाइम के लिए ताने सुनने पड़ेंगे। दूसरा, उन्होंने काउंसलिंग में ये बताया कि भाई ये गंजा है तो स्वाभाविक सी बात है हमारे जो बच्चे होंगे वो भी फिर गंजे पैदा होंगे। गंजा होना एक अनुवांशिक बीमारी है। आप इंडियन आदमी इंडिया में भी देख सकते हैं कि भाई आपके बाल उड़ गए तो आपके फादर के भी बाल नहीं थे, आपके दादा के भी नहीं थे, वो एक वंशानुगत चलता रहता है और उसका कोई इलाज नहीं है, वो बाल झड़ेंगे तो झड़ेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। जी हाँ, तो इसका उसने बताया कि मेरे बच्चे भी गंजा हो सकते हैं, तो इस वजह से मुझे तलाक चाहिए। हालांकि काउंसलिंग, वहाँ पे जो काउंसलर थे उन्होंने समझाने की कोशिश की, पत्नी ने नहीं माना, बोल दिया मुझे तलाक चाहिए। हालांकि काउंसलर ने, अधिकारियों ने सेकंड ऑप्शन और दिया कि एक बार और उनकी काउंसलिंग की जाए, क्या हो सकता है वो मान जाए, उनका दिल बदल जाए, ऐसी कुछ है। इसी के साथ वो चले गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी वो शादी टिकने वाली है। जी हाँ, अब आपको इन चीज़ों में ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है भाई। शादी करना, अपने बाल नहीं है टोपी लगा लेते हैं या कुछ भी ऐसा गलत करके हम काम शादी कर लेते हैं, बाद में पता लगे तो ये बड़ी प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड भाई ऑप्शन, इसका समाधान क्या है, अगर ये वंशानुगत है, आपके फादर के बाल झड़ गए समय से पहले तो आपके भी झड़ गए, आपके झड़े तो आपकी आने वाली जो औलाद होगी, जो बच्चे होंगे उनके भी फिर वो झड़ेंगे, ये तय है। इसका लेकिन एक सोल्यूशन है कि मेरे जानकारी में मैंने दो लोगों को प्रैक्टिकल देखा है। जी हाँ, मेरे खास, ये मान लो एकदम निजी हैं, उनके मैंने देखा है, एक मेरा साथी एडवोकेट है, एक और कोई एक बंदा है, तो उनके भी बाल झड़ गए थे। बाल, आपको पता आजकल हाई टेक्नोलॉजी आ गई तो बाल सिर पे उगाए जा सकते हैं। जी हाँ, ये हेयर ट्रांसप्लांट इनको बोलते हैं, तो उस वो डॉक्टर कुछ ऑपरेशन के जरिए बाल, एक एक बाल, जैसे आपने देखा होगा गेहूं में, खेत में चावल लगाते हैं ना पानी के अंदर, वैसे एक एक बाल कहीं ना कहीं से उखाड़ के
और वो एक एक बाल लगा देते हैं। जी हाँ, हालांकि वो महंगा खर्चा है, लगभग 1.5 लाख 2 लाख रुपए लग जाते हैं अगर आपको कुछ एक बाल के हिसाब से पैसा लगता है। एक बाल का 3 रुपये 4 रुपये इस हिसाब से लगता है, वो कितने बाल लगाने हैं। कईयों के तो यहाँ इतनी दूर में लगते हैं, कईयों के यहाँ बीच में लगते हैं। आपने देखा होगा यार, कुछ एक्टर भी ऐसे हैं जो पहले गंजे थे, अभी उनके सिर पे बाल है। आप टीवी में कभी ऐड आए तो आप ज़रूर देखना, वो ट्रांसप्लेट, उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया। जी हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं, 1.5 से 2 लाख रुपए में, 1 लाख से 2 लाख रुपए में। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके सिर में कितने बाल कम है। ज़्यादा बाल होंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, कम लगवाने तो कम खर्चा होगा। वो एक ऑप्शन है, एकदम ओरिजिनल बाल लगते हैं काफ़ी। 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो बाल 3 साल पहले लगाए थे, आज भी वो अच्छी तरीके से हैं और एकदम नेचुरल बाल है, जैसे अपने सर के बाल होते हैं, क्योंकि वो सर के उखाड़ के और वो एक एक बाल लगाए जाते हैं तो फिर जड़ पकड़ लेते हैं और वो चलता आता है। हालांकि इनको कुछ लोग रिस्की भी बताते हैं कि ये रिएक्शन हो जाता है, ये हो जाता है। तो भाई देखिए, रिएक्शन तो हर चीज़ में होता है, किसी में भी देख लो आप, ज़िंदगी में भी रिएक्शन है, बैठे बैठे लोग मर जाते हैं। तो इतना रिस्क तो आपको लेना चाहिए अगर आप में ये प्रॉब्लम है तो। बस ये अपडेट आपको देना था कि ऐसी गलती करके आप अगर ऐसा काम करते हो तो उसकी फिर भयंकर गलती भी सामने, उसका नतीजा आ सकता है। तो सावधानी बरते, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जानकारी के साथ में। जय हिंद।